खैरागढ़ रियासत के पूर्व राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की प्रतिमा के अनावरण से पहले उनकी पत्नी विभा सिंह ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। विभा सिंह ने कहा कि जिससे कांग्रेस की नीति गुंडागर्दी की है उसे ये नहीं करना चाहिए, मूर्ति अनावरण का काम मौजूदा सरकार करे। खैरागढ़ नगर पालिका ने दशहरे पर रियासत के पूर्व राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम रखा है। इस बीच स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस की नीति को गुंडागर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनके महल और घर में असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की थी। स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके घर वालों को विश्वास में लेकर यह सब काम किया जाना चाहिए और साथ ही यह कार्यक्रम सरकार करे, न कि कांग्रेस के पदाधिकारी। मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी की मूर्ति अनावरण को लेकर के कांग्रेस प्रशासन को धमका रही है कि दशहरे के दिन फोर्सफुली अनावरण कर दिया जाएगा। अगर नगर पालिका के द्वारा मूर्ति बनाई गई है तो मौजूदा सरकार को अनावरण करना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि किसी भी पति का अगर कोई कार्यक्रम है तो उनकी पत्नी को ज़रूर बुलाया जाए, उनको शामिल किया जाए और उन्हें अवगत कराया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करती नहीं है, बार बार वही सीधे करती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।